नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी। वैसे तो सर्दियों में कई तरह की रोटी बनाई जाती है, मक्के की रोटी, सरसों की सब्जी के साथ ये सब रोटियां बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी। तो हम इसके लिए लिए हैं 1 कटोरी बाजरे का आटा और थोड़ा सा नमक। सबसे पहले हम इसको छान लेंगे। अब इसमें चौथाई चम्मच हम नमक मिला रहे हैं। हम इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाएंगे जिससे रोटी बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम बनेगी और इससे रोटी फटती नहीं है। और थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से इसे मिलाते हुए एक मुलायम आटा हम इसको बना लेंगे। इसे भी इस तरह मथना जरूरी है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट बने। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हुए इस तरह से इसको मथते चले जाएंगे। कुछ सेकंड तक हम इसी तरह से इसे मथते जाएंगे जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम आटा ना बन जाए। ये देखिए, इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया। बाजरे की रोटी खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। कुछ सेकंड मथने के बाद ये देखिए, एकदम मुलायम और सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो गया। हमें इस साइज की रोटी बनाने के लिए इतना आटा लेके और हथेलियों में इस तरह से इसे घुमाते जाएं। हम रोटी बेलेंगे जब तक हम अपना तवा गैस पर रखकर ऑन कर देंगे ताकि ये भी थोड़ा गर्म हो जाए। एक चकले पे थोड़ा सूखा आटा इस तरह से डालते हुए और हमारा ये लोया इस पर रख देंगे और इस तरह से हाथों की सहायता से इसे गोल गोल घुमाते जाइए। हम एक रोटी सी बना लेंगे। इस तरह से रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे तवे पे इस तरह से डाल देंगे। गैस की फ्लेम स्लो पर ही रखें। कुछ सेकंड तक सिक जाने के बाद एक पलटे से हम इस तरह से इसे घुमाकर देख लेंगे। अब रोटी को हम पलट लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो मीडियम पर ही रखें और धीरे धीरे इसे सीकने दीजिए।
इन रोटियों को स्लो पर ही सेका जाता है, फुल आंच पर सेकने से ये अंदर तक सिकाई नहीं होती और ये जल जाती है और उतना स्वादिष्ट नहीं बनती। कुछ सेकंड के बाद इस तरह से हम इसे अपनी देख लें। हर थोड़ी देर में हम इसे चेक करते जाएंगे। अब हम तवे पर से हटाकर नीचे डायरेक्ट इसे सेकेंगे। इस तरह से घुमाते हुए ये देखिए हमारी रोटी इतनी फुली भी एकदम फर्स्ट क्लास बन गई है। स्लो पर ही हमें इसे सेकना है। अब हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है, बाजरे की ये स्वादिष्ट रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर घी लगा लेंगे। इसमें घी लगाना बहुत ही जरूरी है, बिना घी के ये इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है और ये सर्दियों में खाई जाती है, इसलिए घी खाना तो बनता ही है। इसके साथ कोई भी सब्जी, हरी सब्जी या तो कढ़ी बना लीजिए या कोई भी हरी सब्जी, और इसके साथ गुड़ खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए इसे गुड़ के साथ ही खाएं। कई लोग तो इसे सिर्फ गुड़ के साथ ही खाते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रोटी को गर्मा गर्म ही खाएं, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है।